सोलन में दिसंबर माह में बहुत ज्यादा सैलानी आते हैं। हजारों गाड़ियों में पर्यटक सोलन, शिमला और चायल का रुख करते हैं। यही कारण है कि यहां सभी होटल पूरी तरह से फुल होते हैं। होटलों में जगह न मिलने के कारण युवा पर्यटक सड़कों पर ही नववर्ष मनाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कई बार कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। यही कारण है कि अब सोलन पुलिस ने इस दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि इस बार कसौली और चायल पर्यटन क्षेत्रों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। यहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। सभी पर्यटक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कोई हुड़दंग ना हो, इसके लिए पुलिस के वाहन लगातार गश्त करेंगे। कोई मदिरा पीकर वाहन न चलाए, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। जो भी नियमों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए साल में, जो नए साल के इस उपलक्ष में नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग लगाई जाएगी, चायल में और कसौली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। हाईवे को सेक्टर्स में बांटा जाएगा और जो थाने की गाड़ियां हैं वो क्यूआरटी व्हीकल का काम करेंगी। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा स्पेयर व्हीकल्स वहां पे लगाए जाएंगे जो नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग करेंगे और इंश्योर करेंगे कि कोई भी वहां पे हुलड़बाजी ना हो। जो हमारे त्वरित जो क्यूआरटी व्हीकल्स होंगे उनमें जो स्टाफ होगा वो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेगा, उनके मेडिकल कराएगा और जो भी कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की जाएगी। सबको एक तो नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं, और मेरा सबसे यही आह्वान है कि भीड़ वाले स्थानों पे ना जाएं। अगर किसी आवश्यक कार्य से जाते हैं तो उसका मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।